बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ना मोहम्मद तैमूर मुजाहिद और आप देख रहे हैं ट्रायल विद मी। हाँ तो दोस्तों, मैं आप अपने भाइयों के लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो दोस्तों आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ तो दोस्तों, मैं बाहर आया हुआ था तो मौसम काफ़ी खूबसूरत है आज, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बादल आए हुए हैं, हो सकता है बारिश भी हो जाए इधर। यहाँ पर मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मौसम है आज। तो बारिश का बोला हुआ आज, देखें बारिश होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों ये वीडियो उन मेरे भाइयों के लिए है जो मुझसे कहते हैं कि हमने जापान जाना है, जापान का हम लोग वीज़ा किस तरह अप्लाई करें, वहाँ पे जॉब्स वगैरह का क्या स्कोप है, वहाँ पे वर्क परमिट मिल जाता है, असाइलम हो जाती है। तो ये स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो है, तो दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा जापान के वर्क परमिट के बारे में। दोस्तों जापान का वर्क परमिट आप लोगों को मिल जाता है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जापान की लैंग्वेज आना ज़रूरी है। उसके लिए उसका टेस्ट वगैरह होता है, पाकिस्तान या इंडिया में इनके इंस्टीट्यूट होते हैं, आप उस तरीके से वहाँ पर कोर्स वगैरह करके उनका जापान का जो होता है इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तान में जो मेरे भाई हैं, गवर्नमेंट लेवल पर पाकिस्तान में इसका कोटा आया होता है, जो उसमें सैलरीज बताई होती हैं वो तकरीबन 10 से 15 लाख पाकिस्तानी उनमें सैलरी लिखी होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो आप इस तरीके से वर्क परमिट जो है उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जॉब्स वगैरह होती हैं वो हाई प्रोफाइल भी होती है, आपको लेबर कैटेगरी में भी मिल जाती है, जैसे वेयर हाउस में मिल जाती है आपको जॉब, फैक्ट्री वर्कर्स, किचन रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं, वेटर, शेफ, कुक, बार अटेंडेंट, होटल अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट, इस तरह की काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं जापान के अंदर जो आप इजीली यानी कि उनको कर सकते हैं अप्लाई। मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो इस तरीके से आप जॉब्स वगैरह अप्लाई करते हैं, मैं लिंक्स वगैरह दे दूंगा। आपने CV बनानी है, ठीक है, CV को आपने जापानीज़ में ट्रांसलेट करना है। उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेटर या यनडेक्स ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश टू जापानीज़ करके उन्हें वो CV आप सबमिट कर सकते हैं कंपनीज़ में। मैं वो लिंक्स वगैरह दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा इस तरीके से। तो दोस्तों मैं अब बात करूँगा जापान में असाइलम की। दोस्तों जापान में असाइलम हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो 9 महीने तक असाइलम का प्रोसेस होता है। उसमें 9 महीने बाद आपको पता चलता है अप्रूव होना है कि नहीं होना आपका असाइलम। तो अगर आपको अप्रूव हो जाता है असाइलम तो आपको जापान का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है और आप उस पर काम वगैरह फ्रीली कर सकते हैं। 9 महीने तक आप काम नहीं कर सकते, हाँ अगर आप काम कर सकते हैं लेकिन वो छुप के काम कर सकते हैं, अगर कोई आपका देसी भाई है जो है आग रख ले आपको काम पे, लेकिन वो मोस्टली जो पब्लिक है हमारी काम कर रही है जापान के अंदर इलीगल काम कर रही है, लेकिन उनका साथ साथ केस चल रहा है तो साथ साथ वो यानी कि काम भी कर रहे हैं, अपना अर्निंग भी अच्छी खासी जापान में कर रहे हैं। आपको मालूम होगा 1 पे इस टाइम जो अर्निंग है वो जापान की, उसके बाद US, कनाडा, फिर यूरोप वगैरह जो कंट्रीज़ हैं वो आती हैं। दोस्तों आपका जापान का जो असाइलम है जो अप्रूव हो जाता है आप उसको वर्क परमिट में भी बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाए कंपनी का तो आप इजीली वो कन्वर्ट करवा सकते हैं अपना वर्क परमिट के अंदर। तो मेरे काफ़ी जानने वाले मेरे हैं जो दुबई, सऊदी अरबिया से गए हैं जापान के अंदर, माशाल्लाह 3-3 साल हो गए उन्हें, वो ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं जापान के अंदर। वो कहते भाई जान हम लोगों ने तो टाइम दिया कि गल्फ़ के अंदर, आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा इन सब कंट्रीज़ को भूल जाएंगे, आप जापान आते हैं, आप 2-3 साल में यानी कि अपने पैसे पूरे कर लेते हैं जो भी आपने लॉस किया होता है। उन्होंने माशाल्लाह से पाकिस्तान में अपने घर भी बना लिए हैं, गाड़ियाँ भी बना रख ली हैं, ठीक ठाक वो अर्निंग कर रहे हैं इस टाइम जापान के अंदर। तो इसका वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ईजी है। दुबई वालों के लिए ई वीज़ा है और पाकिस्तान वालों के लिए इसका एम्बेसी में आपको जाना पड़ता है। इंडिया वाले भाई भी एम्बेसी में जाते हैं अगर वो गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं इंडिया पाकिस्तान वाले भाई, तो उनको ई वीज़ा मिल जाता है जापान का। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जापान के वीज़े के बारे में, किस तरह आपने अप्लाई करना है UAE से, गल्फ कंट्री से ई वीज़ा इसका। तो दोस्तों ई वीज़ा अगर आपने ये अप्लाई करना है तो आपको इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एमिरेट्स ID आपकी चाहिए या सऊदी का किसी भी कंट्री गल्फ कंट्री का कामा चाहिए आपको, आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए एटलीस्ट, और आपका प्रोफेशन थोड़ा मीडियम भी हो चल जाता है लेकिन आपका जो है ID जो वैलिड है कम से कम 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए
और आपके पास होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, टिकट रिजर्वेशन होनी चाहिए, आपके पास एक वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो होनी चाहिए और पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानियों की कोई फ़ीस नहीं है इसकी, ई वीज़े की। और जो इंडियन भाई हैं उनकी 5400 इंडियन रुपीज़ फ़ीस है इसकी, जापान के ई वीज़े की। वो इंडिया का इस तरह होता है, आपको आपका वीज़ा अप्लाई किया, आपको एक पेपर निकालना होगा, उसमें से आपने अम्बेसी जाके जापान की वो आपने फ़ीस पे करनी है। इस तरीके से आपका प्रोसेस नेक्स्ट चल सकता है। तो जिन भाई मेरे भाइयों ने ख़ुद अप्लाई करना है वो ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन मेरे भाइयों ने मुझसे अप्लाई करवाना है तो मैं अपनी भी सर्विस भाई को दे दूँगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल स्क्रीन पर मेरे शो हो रहे होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप इस तरीके से मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो जो मेरे भाई पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं वो लोग जापान में ख़ुद वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एमरेट्स आईडी की जगह आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड, नादरा का जो है इंडियन जो मेरे भाई उनको आधार कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट उनको भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी एम्बेसी की ईमेल करके। तो आपको अपॉइंटमेंट मिले जैसे आप अप्लाई कर दें एम्बेसी के अंदर वीज़ा, तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। पाकिस्तान के शिकर वीज़ा की भी कोई फ़ीस नहीं है, और जो इंडियन भाई हैं उनके वही सेम फ़ीस है 5400 इंडियन रुपीज़। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जापान का वीज़ा। तो दोस्तों मैं कुछ लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, आप उनसे अप्लाई कर लीजिएगा जापान की वो जो है वैकेंसीज़ को, वहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज दी हुई हैं, आप उनको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की एक वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कीप सपोर्टिंग मी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मैं अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।